Assalamualaikum everyone, my name is Anisa Zahid, my roll number is 18294 and I am from BSCL 6 Sibninge. My project name is Tic-Tac-Toy Game using Java Swing. First of all, हम इसका क्या करेंगे, डिज़ाइन पे ही देखते हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले फ्रेम है। अब हमने इसमें कोई भी चेंजिंग करनी है तो हम इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके हम इसका कोई भी कलर सिलेक्ट करके आप ओके करें तो वो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर सकते हैं। फिर आते हैं कि हमने इसकी लेआउट सेट कर लेनी है सबसे पहले, और फिर इसमें हमने कंपोनेंट्स को ऐड करना है। कंपोनेंट्स हमारे पास, मैंने यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स ऐड किए हैं, लेबल, टेक्स्ट फील्ड और बटन्स। हम इसकी कोडिंग देखते हैं कि हमने बटन के बिहाइंड क्या कोडिंग की है। एग्जिट के लिए हमने क्या किया है कि हमने फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक फ्रेम नेम का जे फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फ्रेम के नाम से, इक्वल टू न्यू जे फ्रेम हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। एग्जिट इसमें पैरामीटर दिया, यहाँ पे इस कंडीशन लगाई है जे ऑप्शन पेन डॉट शो कन्फर्म डायलॉग। यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स शो करवाया है जिसमें हमारे पास जे ऑप्शन पेन जो है वो हमारे पास इनपुट कमांड है और ये हमारे पास मैसेज शो करवाएगा। ये जो मैसेज हम शो करवाना चाहते हैं वो ये है कि टू कन्फर्म इफ़ यू वॉन्ट टू एग्जिट, ये हमारे पास टाइटल है, और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास मैसेज की टाइप है कि हम किस टाइप का मैसेज शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, शो कन्फर्म डायलॉग जो है ये मेथड है जो हम मैसेज शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं। सिस्टम डॉट एग्जिट जीरो, ये हमने एग्जिट मेथड को कॉल कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीसेट। रीसेट के बिहाइंड, बटन के बिहाइंड जो हमने कोडिंग किया वो ये है कि इसमें हमने नल टेक्स्ट जो है वो सेट करवा दिया है बटन वन के अंदर। सिमिलरली हमने हर बटन के अंदर नल टेक्स्ट को सेट करवा दिया है 1 to 9 तक, और इसी तरह हमने बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट करवा दिया ग्रे बटन 1 से लेकर 9 तक। न्यू गेम की भी कोडिंग वैसी है जैसे कि हमने की है बटन रीसेट बटन के लिए। इसमें सिर्फ चेंजिंग किया गई कि जो हमारे पास काउंट टेक्स्ट काउंट एक्स और टेक्स्ट काउंट ओ है उसमें हम 0 को सेट करवा देंगे। वो इसलिए करवाएंगे कि जो हमारे पास जब हम न्यू गेम स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे पास प्लेयर विन्स जितने एक्स के प्लेयर विन होंगे और जो होंगे प्लेयर ओ के विन, वो हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ हमारे पास 0 हो जाएंगे न्यू गेम जब हम स्टार्ट करना चाहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके स्टार्ट पे चलते हैं कि इसकी लॉजिक क्या है। गेम की लॉजिक ये है कि इसमें हमने स्टार्ट करना है गेम को, इसमें हमने स्टार्ट किया है कि जब भी कोई भी यूज़र प्रेस करे बटन को, एक बटन कोई भी बटन, बटन वन हो, बटन 1 to 9 कोई भी बटन प्रेस करे तो वो स्टार्ट इनिशियलाइज इनिशियल जो पॉइंट हो उसका वो एक्स से स्टार्ट हो, जब सेकेंड टाइम वो प्रेस करे तो वो फिर ओ हो। ठीक है, उसके लिए हम कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हैं। यहाँ पर हमने डिक्लेयर करवा लिया है। ठीक है, एक्स काउंट को 0 वेरिएबल है ये हमने दे दिया, और ये इसे स्टार्ट गेम को हमने एक्स साइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल किया। हमने यहाँ पे फंक्शन मेथड क्रिएट किए हैं। ठीक है, एक गेम स्कोर के नाम से हमने किया है। इसमें के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड एक्स काउंट के लिए हमने वैल्यू ऑफ मेथड कॉल किया है। इसलिए किया है कि जो एक्स काउंट के अंदर वैल्यू, एक्स काउंट के अंदर हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, इंटीजर डेट टाइप, तो उसको स्ट्रिंग में चेंज करके वो वैल्यूज़ को उनको सेट करवा देगा टेक्स काउंट एक्स के अंदर। सिमिलरली वो यही काम जीरो काउंट के अंदर भी करेगा, जो इसमें वैल्यू होगी उसको सेट करवा देगा स्ट्रिंग में चेंज करके, सेट कर देगा टेक्स काउंट ओ के अंदर। और ये हमारे पास एक और फंक्शन है तो मेथड क्रिएट किया है चूज़ प्लेयर के नाम से। यहाँ पे हमने इफ एस की कंडीशन लगाई है और इक्वल्स इग्नोर केस मेथड यूज़ किया है। यहाँ पे वो देखेगा कि हमारे पास प्रेजेंट कंडीशन कौन सी है। अगर हमारे पास प्रेजेंट कंडीशन एक्स है तो वो सेट ओ करवा देगा, अगर हमारे पास प्रेजेंट कंडीशन ओ है तो वो सेट एक्स करवा देगा। ठीक है, और एक हमने फंक्शन कॉल किया है विनिंग गेम के नाम से, क्रिएट किया है फंक्शन विनिंग गेम के नाम से। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के, जिसमें हमारे पास गेट टेक्स्ट मेथड कॉल किया है। गेट टेक्स्ट मेथड जो है वो गेट करवाएगा टेक्स्ट को, जो कंपोनेंट बटन वन के अंदर टेक्स्ट होगा उसके गेट करवा के स्टोर करवा देगा बटन वन के अंदर। सिमिलरली ये हर बटन में यही काम करेगा। उसके बाद हमने इफ ऐसी कंडीशन लगाई हैं इसमें कि इफ़ B1 = x एंड B2 = x एंड B3 = x, तो हमारे पास एक मैसेज बुक शो हो जिसमें लिखा हुआ है प्लेयर एक्स विंस द गेम, और हमारे पास ये मैसेज टाइप जो है वो है इन
इन्फॉर्मेशन मैसेज, यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन के लिए मैसेज शो करवा रहे हैं जो हमें बताएगा कि प्लेयर एक्स ने गेम विन कर लिया है। और जब प्लेयर एक्स गेम विन कर लेगा तो हमारे पास क्या होगा कि इसका जो बटन 1, 2 और 3 है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट हो जाएगा पिंक, और एक्स काउंट जो है उसमें 1 इंक्रीमेंट है, उसकी वैल्यू हमारे पास 0 है ना, तो उसमें जब प्लेयर एक्स विन करेगा तो वो हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगी। और गेम स्कोर जो है इसको, इस ये मेथड हमने यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया है यहाँ पे, यही हम जितने भी हमारे पास विनिंग पॉसिबिलिटीज़ होंगी एक्स के लिए और ओ के लिए हम उसमें यही कोडिंग सेम यूज़ करेंगे। बस ये कंडीशन हम उसमें वो अप्लाई करेंगे जो बटन 1 के बिहाइंड हम कर रहे हैं 2 के या 3 के लिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये देखें यहाँ पे बटन 4, 5 और 6 के लिए, और यहाँ पे हमने कलर जो है वो ये चूज़ किया है, ये सेट करवा देंगे, और काउंट जो है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, और गेम स्कोर हमने फंक्शन कॉल किया है। सेम हम इसी तरह ओ के लिए भी करेंगे, ठीक है। ये हमने तमाम जो हमारे पास थी वो हमने कर लिए हर बटन के लिए, ठीक है। अब बटन के बिहाइंड जो हम कोडिंग करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हमने सेट टेक्स्ट मेथड कॉल किया है, स्टार्ट गेम के पास जो हमारे पास टेक्स्ट है वो सेट करवा देगा बटन 1 के अंदर, और इफ एल्स की हमने यहाँ पे कंडीशन यूज़ की है, और इक्वल्स इग्नोर केस मेथड कॉल किया है यहाँ पे। जब हमारे पास ये हमारे पास देखेगा कि अगर हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है वो स्टार्ट गेम जो है वो एक्स स्टार्ट हो रही है, तो उसका वैल्यू, उसका जो फोरग्राउंड कलर है वो रेड सेट करवा देगा, एल्स वो येलो सेट करवा देगा। और चूज़ प्लेयर फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करेंगे हर बटन में, हर बटन के हम चूज़ प्लेयर फंक्शन कॉल करेंगे और विनिंग गेम का फंक्शन कॉल करेंगे। चूज़ प्लेयर का फंक्शन हम कॉल करेंगे कि हमें पता हो कि अब हमारे पास प्रेजेंट कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास प्रेजेंट कंडीशन एक्स है तो हम सेट ओ करवा सकें, अगर हमारे पास प्रेजेंट कंडीशन ओ है तो हम सेट एक्स करवा सकें। और चूज़ प्लेयर के फौरन बाद हम विनिंग गेम का फंक्शन कॉल करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि फिर हमें पता हो कि कौन सा प्लेयर जो है वो गेम विन कर रहा है, ठीक है। इसके लिए हम ये यूज़ करवाते हैं। हर बटन के बिहाइंड हम इसी तरह कोडिंग करेंगे, बटन 1 से लेके 9 तक सेम यही कोडिंग यूज़ करेंगे। अब हम इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं कि आउटपुट क्या आती है, रन करवा के देख लें इसका। ये हमारे पास प्लेयर जो एक्स है उसने गेम विन कर लिया, ओके किया, तो प्लेयर एक्स ने एक्स काउंट इंक्रीमेंट प्लस प्लस था वो इंक्रीमेंट हो गया, और ये इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब हमने रीसेट किया तो इसका कलर ग्रे सेट हो गया और वैल्यूज जो थी वो नल हो गई है, ठीक है। अगर हम अब दोबारा सेट करना चाहें वैल्यूज को, ये प्लेयर 0 विन द गेम, ओके, इसका कलर चेंज हो गया और ये हमारे पास इसके जो ओ काउंट था वो इंक्रीमेंट हो गया है। रीसेट कर लें, रीसेट करने से ये वैल्यूज़ हमारे पास रहेंगी कि जो प्लेयर एक्स ने कितनी गेम्स विन किया और प्लेयर ओ ने कितनी गेम्स विन किया। जब हम न्यू गेम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी। अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।